press the bell icon on the YouTube app and never. तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर पीछे रह गए हैं तो इसके रीजन आप खुद हैं, क्योंकि आपका देश भारत का बुरा करने के चक्कर में अपने अपने वक्त को बर्बाद किया है। अब और भी ज्यादा ग्रेटफुल चीज है कि हमारे भारत से पढ़े लिखे लोग जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाए, इंजीनियर्स जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, एडवोकेट्स जाते हैं, प्रोफेसर्स जाते हैं। बिल्कुल जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लायक खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो उसे भी अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और क्योंकि अब डिजिटल हो गया है ना जमाना, तुरंत हमारे भी न्यूज हमारे न्यूज पर आ जाता है। तो पहले तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक पाकिस्तान देशों में दूसरे देशों में जा करके पाकिस्तानी पुरुष जो भी करता था, इंडियन चैनल्स नहीं दिखाता था उसको। पाकिस्तान की बुराइयां, पाकिस्तान के मुसलमान पुरुषों की अश्लीलता, बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, एक बच्चलनी, ये कभी भी कांग्रेस की सरकार के वक्त में इंडियन चैनल नहीं दिखाता था। लेकिन अभी क्या है कि इंडियन चैनल सब हो गए हैं ट्रांसपेरेंट, अपने मालिक। भैया आपको जो दिखाना है आप दिखाओ, आपको डिक्टेटरशिप में नहीं रहना है, क्योंकि ये कांग्रेस का सरकार नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार है, और आपको आपको जो मर्जी है आप वो दिखाओ। तो अब क्या हो गया है कि वहां मोहम्मद नाम के एक लड़के ने ब्रिटेन में एक बच्ची का रेप किया, हमारे चैनल पे दिखा। वहां शहबाज नाम के एक लड़के ने ब्रिटेन में 11 साल की बच्ची का रेप किया, हमारे चैनल ने दिखा। उसके बाद फिर सऊदी अरबिया में तीन पाकिस्तानी को फांसी की सजा भी दी गई है, जिसमें से एक भारत की लड़की भी है, मुस्लिम है, जो वहां पर काम करने के लिए गई थी, आया का काम कर रही थी, लेकिन उसके किसी वजह से वो बच्ची मर गई। तो मौत की सजा वहां मौत है इस्लामिक, जो यूएई में है, अरब में है। तो अब वो गुहार लगा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को। सोचो, मुसलमान गुहार लगा रहा है अपनी बच्ची को बचाने के लिए मोदी जी को और योगी जी को, जो योगी जी को भारत के मुसलमान रोज कोसते हैं, रोज गाली देते हैं, रोज बोलते हैं कि ये तो योगी है, ये तो संत है, ये तो मुसलमानों का भला ही नहीं कर सकता, तो क्यों मांग रहे हो मदद। तो ये भी हमने हमारे भारत के न्यूज चैनल्स पर आ गया कि भाई दो पाकिस्तानी और एक इंडियन मुस्लिम लड़की को वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि मौत का बदला वहां मौत दिया जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर पीछे रह गए हैं तो इसके रीजन आप खुद हैं, क्योंकि आपका देश भारत का बुरा करने के चक्कर में अपने अपने वक्त को बर्बाद किया है। अब और भी ज्यादा ग्रेटफुल चीज है कि हमारे भारत से पढ़े लिखे लोग जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाए, इंजीनियर्स जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, एडवोकेट्स जाते हैं, प्रोफेसर्स जाते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, उसके बाद डिफेंस के जो लोग हैं, अभी हालिया में अरब के लोगों को हमारी डिफेंस अकेडमी ने उनको ट्रेन किया था, जो आपका पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि अरब के लोगों को आप बॉर्डर पे क्यों कर रहे हैं, अपने भारत के बॉर्डर पे क्यों कर रहे हैं, भाई मेरा बॉर्डर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा लेवल इसलिए बड़ा है क्योंकि देश और दुनिया भारत के लोगों को बुलाती है और एक बड़ी जगह पर बैठाती है। एक वक्त था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब राजीव गांधी की सरकार थी, जब सोनिया एंटोनियो जो है पपट मंत्री प्रधानमंत्री को चला रही थी, तो उस वक्त अमेरिका के नीचे दब करके भारत रहता था। अब अमेरिका में भारत की 250 से ज्यादा कंपनीज, भारत की कंपनी है वहां पर, मेड इन इंडिया की कंपनीज वहां पर है। अब आप अमेरिका में शॉपिंग कीजिएगा
तो आपको जो स्टेशनरीज के दुकान है या आपको परफ्यूम्स की दुकान है या आपको वॉचेस की दुकान है या आपको मोबाइल की दुकान शॉप शॉप है, वो आपको विदेशी कंट्रीज में मेड इन इंडिया का दिखाई देगा। मेरा भारत अभी मोबाइल फैक्ट्रीज में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। आप पूरी दुनिया में घूमने के लिए जाइएगा, आप देखिएगा मेड इन इंडिया का सामान मिल रहा है। तो अब जब भारत 10.5 साल में जमीन से आकाश को छू लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका जैसा कंट्री भारत के हीरे को, भारत के गोल्ड को, भारत के ऑर्नामेंट लोगों को, हीरा में आदमी को बोल रही हूँ, इंसान पढ़े लिखे व्यक्ति को बोल रही हूँ, गोल्ड में पढ़े लिखे व्यक्ति को बोल रही हूँ, ऑर्नामेंट पढ़े लिखे व्यक्ति को बोल रही हूँ, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाएगा? हम अमेरिका, अमेरिका हमें बुला रहा है अपने लोगों को ट्रेन कराने के लिए, अमेरिका हमें बुला रहा है अपने लोगों को सिखाने के लिए कि आप आकर के सिखा के जाओ। हमारा हमारा इंटरनेट का मसला मसला है कश्मीर से भी बड़ा है शायद, जो कि कभी हल नहीं होने वाला। तो अब सुंदर पिचाई की मैंने आपसे बात कही है, सुंदर पिचाई कौन है? एक भारतीय नागरिक है और आज गूगल के सीईओ है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो अमेरिका में जाकर के सीईओ बन करके बैठे हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका एडुकेशन, उनका इंटेलिजेंट माइंड ही तो उनको सीईओ बनाया है। और अमेरिका चाहता भी है कि इतने इंटेलिजेंट लोग उनकी कंट्री के पार्ट बन करके रहें। तो इंटायरली पूरा जो यात्रा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का था, दैट वाज कंप्लीटली अ वेरी वार्म एनर्जी एनर्जी बहुत एनर्जेटिक था, एंड ऑन द इंडियन डायस्पोरा इन न्यूयॉर्क। तो हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है। उसके बाद फिर हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने इंडियन कम्युनिटी को नसाऊ कॉलिजियम न्यूयॉर्क में उन्होंने एड्रेस किया और नमस्ते यूएस करके कहा, और जिस हिसाब से उन्होंने नमस्ते को कहा, विकसित भारत के बारे में उन्होंने बात किया, डिजिटल भारत के बारे में उन्होंने बात किया, वंदे भारत के बारे में उन्होंने बात किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात किया, एडुकेशन पर बहुत फोकस किया। और एक जो हमारा कल्चर है कि हमारे भारत में हर स्टेशन के बाद भाषा बदल जाती है। जैसे अभी मैं आपसे जुड़ी हूँ क्योंकि मैं दिल्ली की इस देश की राजधानी दिल्ली में हूँ, तो अभी मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब हिंदी में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं। जब मैं बंगाल में बैठी होती हूँ तो आप लोग सुनती होंगी कि पीछे से बंगाली में कोई बोल रहा है। तो हमारे यहाँ हर स्टेशन पर भाषा जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद फिर अब जब हम केरला जाते हैं तो वहां पर रंग रूप अलग हो जाता है, जब हम बिहार जाते हैं वहां पर भाषा अलग हो जाती है, जब हम दिल्ली आते हैं वहां पर रंग रूप और पूरा फीचर्स जो है वो अलग हो जाता है। इसके बावजूद भी, इस इन सब चीजों के बावजूद भी हमारे अंदर इतनी एकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक ऐसा माहौल बना करके रखा है भारत का, और लॉ एंड ऑर्डर इतना खूबसूरत है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने मजहब या अपने धर्म या अपने ग्रंथ को वो आराम से मानते हैं। अब जैसे सिख है वो अपना रिचुअल पूरा करते हैं, मुस्लिम है वो तो हठगर्मी दिखा करके रोड पे भी रिचुअल पूरा करते हैं, मजारों में और मस्जिदों के अंदर रेप भी कर लेते हैं। हिंदूज है वो अपना रिचुअल पूरा करते हैं, हालांकि मुसलमान उनको टोकते हैं, रोकते हैं। इसके बावजूद भी मुसलमानों के इतनी आतंकी भारत में हो रहे डायबॉलिक एक्टिविटीज के बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस भारत देश को बहुत खूबसूरत बना करके रखा है। और इसका एक मैसेज वहां पर हमें अमेरिका में और न्यूयॉर्क में हमको देखने को भी मिला। और मुझे लगता है कि लाखों की भीड़ में मुसलमान बेटियां, मुसलमान महिलाएं और मुसलमान पुरुष आए थे और उन्होंने भी मोदी जी की स्पीचेस सुनी और खूब तालियां बजाई हैं, खूब तालियां बजाई हैं। सो बहुत बहुत खूबसूरत रहा। और बिडेन एंड यूएस गवर्नमेंट ने 297 वैल्यूबल एंटीक्विटीज जो इंडिया की थी
वो उन्होंने रिटर्न किया है हमारा, जो मूर्तियां और प्रतिमा थी भारत की वो उन्होंने रिटर्न की है, तो ये हमारे लिए बहुत ग्रेटफुल बात है अनम। बिल्कुल सही मैम, होप फॉर द बेस्ट। और जैसे आप या आप जैसे जितने भी भारतीय हैं और बहुत ही एनर्जेटिक वे से आप लोग तारीफ करते हैं भारत की, पीएम मोदी की या इंडियन की खूबियां बताते हैं, यकीन करें आप लोगों के ये एक चीज को देखकर मेरा खुद का दिल करता है कि पाकिस्तान इतनी तरक्की करके हम भी आपको या पूरे वर्ल्ड के सामने ये अपना एक्सप्रेस कर सके कि हाँ पाकिस्तान भी बहुत तरक्की, पाकिस्तान के साथ भी ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो ये चीज मेरा खुद का बड़ा दिल करता है। लेकिन खैर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे हक में भी हमारे लिए भी। और वीडियो बहुत बहुत अच्छी हुई आज की भी, एज यूजुअल हर बार की तरह आपने डिटेल से बहुत ज्यादा चीजें बताई हैं, बहुत डीप जाके सारा कुछ बताया है, और हमारे व्यूवर्स को भी आपकी वीडियो हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मैम अगेन, आप आए हैं और अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हमारा भारत इसलिए आगे है क्योंकि हम देश पहले रखते हैं, हम मजहब पहले नहीं रखते। आप पहले मजहब रखते हैं इसलिए आप पीछे हैं। जिस दिन मजहब घर में और देश पहले रखिएगा उसी दिन बेस्ट होगा। बिल्कुल सही। ओके मैम, हाफिज, बाय बाय। सो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाइक जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।